हम लोग यहाँ पीपली से हंसेश्वर महादेव मंदिर तक आए हैं। ये एक मंदिर ना होके ये मठ है, जिसमें बहुत सारी जमीन यहाँ के जो प्रथम पाल राजा थे उन राजाओं ने दान की थी, और बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं इस मठ के बारे में। लेकिन ये मठ अभी उस रूप में प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाया जिस हिसाब से इस मठ की मान्यता है, और जो दैवीय शक्तियां यहाँ के बारे में बताई जाती हैं उस रूप में अभी प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। आज हमारा यहाँ पर आने का कारण तीन है। एक तो हम राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पीपली से आए हैं। आजकल पोषण माह चल रहा है, हम बच्चों को, धात्री महिलाओं को, उनको आयुर्वेदिक तरीकों से किस तरह से अपना पोषण कर सकती हैं, किस तरह से हेल्दी डाइट ले सकती हैं, उसके बारे में हम सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के लिए आए हैं। यहाँ पे हमें स्वास्थ्य शिविर भी लगाना है, और उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ कोरोना वायरस से बचाव के लिए आयुष रक्षा किट का निर्माण किया गया है। उस किट को यहाँ स्वामी जी और जो भी हमारे महंत हैं, गुरु देवियां हैं, उनको वितरित करने के लिए लाए हैं। और हमारे साथ यहाँ पे हमारे क्षेत्र के काफी संभ्रांत लोग भी आए हैं। हमारे क्षेत्र के गुरु पंडित भूपाल दत्त भट्ट जी हैं, और यहाँ हमारे ब्लॉक के, कनालिचना ब्लॉक के कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर संचालक महोदय हैं बीरेन सिंह कटायत जी, हमारे राजकीय पशु चिकित्सालय के प्रभारी राजेश कुमार पांडे जी हैं, और भी यहाँ पे हमारे साथ हमारे क्षेत्र के संभ्रांत पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक हिंदुस्तान के पत्रकार प्रकाश प्रकाश भाट जी हैं, और भी हमारे चिकित्सालय के फार्मासिस्ट महोदय विनय सिंह, विनय प्रसाद थपलियाल जी आए हुए हैं। तो हम अभी देखेंगे कि इस मंदिर का, इस मठ का क्या महत्व है, यहाँ के महंत हमारे गुरु जी क्या बोलते हैं उसके बारे में हम अभी देखेंगे। और एक बात और बता दें आपको, ये जो स्थान है, ये स्थान बिल्कुल महाकाली नदी, एक बहुत पवित्र नदी, गंगा जैसी पवित्र ही मान्यता है इस नदी की भी, महाकाली नदी का बिल्कुल किनारा है ये। इस तरफ भारत है और दूसरी तरफ अगर नदी की तरफ आप उस पार देखेंगे तो वो नेपाल का क्षेत्र आ जाता है। इस तरह से ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इस स्थान को एक पर्यटन के रूप में हम विकसित करके इस क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के मामले में भी बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम आगे। हम यहाँ अब ये हंसेश्वर महादेव मठ के अंदर हैं, और उसके अंदर ये देखिए एक मुख्य गर्भगृह का मंदिर है, जहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है, उनका लिंग स्थापित किया गया है, और ये बहुत ही प्राचीन पीपल का वृक्ष भी यहाँ पे है। और ये अभी स्वामी जी से पूछेंगे ये कितना पुराना वृक्ष है। और यहाँ हमारे पीपली क्षेत्र के सारे लोग आज इस मंदिर में चिकित्सा शिविर और आयुष रक्षा किट वितरण के लिए आए हैं, और साथ ही मंदिर के दर्शन करने के लिए। और हमारे क्षेत्र के पुरोहित पंडित जी, आचार्य पंडित भगवान वल्लभ भट्ट जी स्वामी जी से वार्ता कर रहे हैं। स्वामी जी ये भूमि का दान नामा दिखा रहे हैं,
और गुरु जी से ही पूछेंगे कि क्या इस मठ का धार्मिक महत्व है और किस रूप में इसको मान्यता मिलनी चाहिए, जो अभी इस मठ को पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मान्यता नहीं मिल पाई है, जिस हिसाब से ये दैवीय शक्तियों वाला स्थान है। निश्चित रूप से इस स्थान को, इस स्थान पे आके सभी भक्त अपनी इच्छित मांगों की पूर्ति कर सकते हैं, ऐसा महत्व है इस मठ का। और यहाँ के जो हमारे महंत जी हैं, पूज्य महंत जी परमानंद गिरी जी महाराज, उनसे जानेंगे कि इस मठ का धार्मिक महत्व क्या है और इस मठ की शुरुआत किस प्रकार हुई थी। स्वामी जी, ये 16वीं सदी से ये मठ स्थापित है। 16वीं सदी में यहाँ पर सबसे पहले महांकाल गिरी जी के नाम से एक महात्मा आकर के सूरज कुंड में तपस्या किया और उन्होंने यहाँ पर अखंड धूनी को जलाया। उसके बाद उनके शिष्य हरिगिरी जी यहाँ पर रहे। हरिगिरी जी के समाने के बाद यहाँ पर दो नागा महात्मा, नागा प्रेमगिरी और नागा शंकर गिरी जी यहाँ पर आए, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या करी। और नागा शंकर गिरी जी ने हंसेश्वर के नाम से अपने एक शिष्य को यहाँ पर हंसगिरी नाम दे करके अपने बाद यहाँ पर गद्दी पर बिठा दिया। जिन हंसगिरी जी को कहा जाता है कि वह भूत सिद्ध थे और दिव्य दृष्टि वाले थे, जिन्होंने यहाँ पर भूतों की दीवार जो अभी तक यहाँ पर सामने खड़ी है, जो दिखती है, और साथ में उनकी यह जलाई हुई जो अखंड ज्योति है, आज हम उसकी भभूति से कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, उनके आने वाली पीढ़ी जो राजा लोग यहाँ पर मौखिक रूप से दान करके गए थे पुष्कर बहादुर पाल जी, शंकर गिरी जी को, उस भूमि को लिखित रूप में लेने के लिए उन्होंने रातों रात उस भूमि पर भूतों से दीवार बना के, खेत बना करके, नेपाल से गोबर मंगा करके, राजा को चमत्कार दिखा करके लिखित रूप में ले लिया। और जब लिखित रूप में ले लिया तो फिर भारत आजाद होने के बाद जो है यह दशनामी गद्दी हंसेश्वर महादेव के नाम से चढ़ गई और जो महात्माओं के नाम पर ही अभी तक है, और आज भारत सरकार के अभिलेखों में भी यह दशनामी गद्दी हंसेश्वर महादेव के ही नाम से। जी स्वामी जी, तो इस तरह से आपने सुना स्वामी जी ने क्या कहा कि ये 16वीं सदी से स्थापित मठ है और इस मठ को दिव्य महात्माओं की शक्तियों द्वारा प्राप्त किया गया। जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि यहाँ के राजाओं ने, जो यहाँ के पाल राजा थे, उन्होंने, रजवाड़े जो थे, उन्होंने इस भूमि को दान किया है इस मठ के लिए।